क्या किसी क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट को यदि पेनक्रियास के हेड में ट्यूमर हो या गांठ हो, इसका इलाज संभव है? ज़्यादातर तो इस तरह के गांठ कैंसर के होते हैं और डॉक्टर आपको सीधे सर्जरी और जो कैंसर के प्रोटोकॉल है उसमें आपको डालेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको एक रिपोर्ट शो करूँगा जहाँ पे पेशेंट के साथ कुछ ऐसी ही समस्या थी। पेशेंट है जिनका नाम है मिस्टर लक्ष्मी प्रसाद जी और ये मध्य प्रदेश से हैं। जब इनका ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में ट्रीटमेंट शुरू हुआ, इनका इलाज लगभग अक्टूबर 2022 के आसपास इनका इलाज शुरू हुआ। उस समय जब इनको हमने वीडियो के ज़रिए देखा तब इनकी गंभीर स्थिति थी, एकदम दुबले पतले हो चुके थे, सीवियर एब्डोमन पेन रहता था, इनडाइजेशन, ऑयली स्टूल। और जब इन्हें देखा गया, इनके परिवार के लोगों ने और इनके मन में किसी भी तरह का अब उम्मीद नहीं था कि आगे लाइफ में क्या होगा, बचेंगे नहीं बचेंगे, काफ़ी दुबले पतले हो गए थे। और इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर को खोजा और उसके बाद इन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया लगभग अक्टूबर 2022 में, तो इनके पास जो पुराना रिपोर्ट पड़ा था उन्होंने हमें ये भेजा, जिस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट आपका 15/10/2020 का है। पेशेंट नेम लक्ष्मी प्रसाद जी और पैनक्रियाज इज़ एट्रोफिक इन टेल विथ मल्टीपल स्मॉल कैल्सिफिकेशन थ्रू आउट द पैरेन्काइमा एंड डायलेटेड माइल्डली डायलेटेड डक्ट MPD एंड द पैनक्रियाटिक हेड अपियर्स बल्की विथ मास लाइक अपियरेंस 5x5 cm। 5x5 cm का मतलब हुआ लगभग 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा। 2 इंच के साइज का पैनक्रियाज के हेड में एक मास लीजन था। ये गांठ बताया गया कि कैंसरस ट्यूमर है और इस केस के साथ उन्होंने ब्रह्म होम्योपैथी में अपना इलाज शुरू किया। केस को और अच्छे से समझेंगे तो पेशेंट को क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, साथ में एट्रोफी है और मल्टीपल कैल्सिफिकेशन शो कर रहा है। MPD जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो डायलेटेड है 4.2 और हेड रीजन में एक ट्यूमर है 5x5 cm का। ये केस है। जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ग्रेजुअली विद द ट्रीटमेंट इनकी जो वॉमिटिंग था, एब्डोमन पेन था, वेट लॉस होना था वो रुकना शुरू हुआ, चीज़ें इम्प्रूव होने लगी और धीरे धीरे इनको काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा। और इनका दोबारा से जब रिपोर्ट कराया गया तो रिपोर्ट देख के आप एकदम एस्टोनाइज हो जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा इस तरह का कुछ रिपोर्ट आया। ये अभी ऑन ट्रीटमेंट ही है पर इनको जो फिज़िकल सिम्टम्स थे, जो लक्षण थे, जो समस्याएं थी, काफ़ी हद तक ठीक हो गई है और एक जो जीने की उम्मीद छोड़ दिए थे वो भी अब इनको लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं अच्छा हो जाऊँगा। जो रिपोर्ट आया इनका, ये रिपोर्ट है 25 मार्च 2023 का। पैनक्रियाज इज एट्रोफिक एंड मल्टीपल इंट्रा पैरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन, जो पहले एट्रोफी था अभी भी एट्रोफी बता रहा है। मल्टीपल कैल्सिफिकेशन जो पहले था पैरेन्काइमा में अभी भी बता रहा है। पैनक्रियाटिक डक्ट जो पहले 4.2 का था वो नॉर्मल हो गया और किसी तरह का कोई ट्यूमर नहीं है। जो ट्यूमर था 5x5 cm का, 2 इंच लंबा और उसका लेंथ और चौड़ाई था उस ट्यूमर का, वो ट्यूमर कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया। मतलब जो एक कैंसरस प्रेजेंटेशन था वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। सो यदि आपके केस में क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के साथ हेड में किसी तरह का ट्यूमर है या पैनक्रियाज के किसी भी हिस्से में ट्यूमर है, बताया गया है कि ये कैंसरस ट्यूमर है, ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में इस तरह के ट्यूमर का बहुत अच्छे से इलाज होता है और क्योर पॉसिबल है। थैंक यू।